अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हम लिखेंगे, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0 फॉर्म इक्वेशन दोज रूट्स आर दिस। सबसे पहले हमने इस इक्वेशन का सम और प्रोडक्ट मालूम करना है, उसके बाद हम जो हमें दो रूट्स गिवन हैं, जो हमें दिए गए हैं, इनका हम सम और प्रोडक्ट मालूम करेंगे, फिर हम इन रूट से इक्वेशन लिखेंगे। तो हम सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0 इस इक्वेशन के रूट्स का सम और प्रोडक्ट मालूम करेंगे। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। वो कह रहा है अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो हम क्या करेंगे, इसका सम लूम करेंगे। सबसे पहले हम फ्रॉम इक्वेशन ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू माइनस 3 एंड सी इक्वल टू 6। अब सम अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। तो बी हमारा क्या है, माइनस 3, माइनस 3 इंटू माइनस 3 ओवर ए 1, तो हमारा आंसर क्या आएगा 3। अब हम प्रोडक्ट मालूम करेंगे, अल्फा बीटा इक्वल टू सी ओवर ए, सी की वैल्यू क्या है 6 और ए की 1, तो हमारा प्रोडक्ट क्या आया 6। तो जो इस इक्वेशन के रूट्स थे उनका जो सम है वो 3 है और प्रोडक्ट 6 है। ये जो हमने प्रोसेस किया है, यह हमने तमाम पार्ट्स के लिए अलग अलग करना है। अब हम पार्ट ए के जो रूट्स हैं उनका सम और प्रोडक्ट मालूम करेंगे। पार्ट ए, 2 अल्फा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1। पार्ट वन में हमें दो रूट्स गिवन हैं, 2 अल्फा प्लस 1 2 बीटा प्लस 1, इनका हम सम और प्रोडक्ट मालूम करेंगे। इसका सम मालूम करेंगे, सम 2 अल्फा प्लस 1 प्लस 2 बीटा प्लस 1। हमने रूट्स को जमा किया, ये 2 अल्फा प्लस 2 बीटा प्लस 2, यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस 2। अल्फा प्लस बीटा के वैल्यू हम पुट करेंगे, ऊपर हमने मालूम किया 3 है, तो हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे 3 3 टू द 6 प्लस 2 इक्वल टू 8। अब हम इन रूट्स का प्रोडक्ट मालूम करेंगे, प्रोडक्ट टू अल्फा प्लस 1 इंटू 2 बीटा प्लस 1। सबसे पहले हम 2 अल्फा को इस पूरी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या आएगा, 2 अल्फा इंटू 2 बीटा 4 अल्फा बीटा, 2 अल्फा इंटू 1 प्लस 2 अल्फा, 1 इंटू 2 बीटा प्लस 2 बीटा, 1 इंटू 1 प्लस 1,
फॉर अल्फा बीटा की हम वैल्यू पुट करेंगे, अल्फा बीटा की हम वैल्यू पुट करेंगे, क्या आएगा 6। यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे, अंदर क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस 1, 4 6 20 24 प्लस 2। अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करेंगे, 3 है प्लस 1, 24 प्लस 2 3 6 प्लस 1, तो ऐड करें क्या आएगा, 31। x² - sx प्लस p इक्वल टू 0, यह जनरल इक्वेशन है रूट से इक्वेशन बनाने के लिए। x² - s क्या सम, जो हमें रूट्स गिवन थे उनका जो सम है वो हम यहाँ पे पुट करें, सम ऐसा 8 8x, और जो प्रोडक्ट है 31, तो हम यहाँ पे 31 पुट करेंगे इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन है। अब हम पार्ट बी करेंगे, x² और β². अब हम पार्ट बी करेंगे, पार्ट बी में 2 रूट्स गिवन है, α² और β², इन दोनों का हम सम और प्रोडक्ट मालूम करेंगे। सम α² प्लस β², α² प्लस β² किसके इक्वल होता है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू होता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। यह हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट करेंगे, 3 आया था, 3 का स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा 6, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 6 12 क्या आएगा, -3। अब हम अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का प्रोडक्ट मालूम करेंगे, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर, तो हम इसको एक ही पावर में लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा होल पावर स्क्वायर। अल्फा बीटा क्या है, 6 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36। तो रूट्स का सम -3 आया और प्रोडक्ट 36। तो अब हम इक्वेशन लिखेंगे, x² - sx प्लस p = 0। सम और प्रोडक्ट की वैल्यू पुट करेंगे, x² - s, s क्या है, -3, तो हम यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, -3 x प्लस पी, पी पुट करेंगे 36। x² - प्लस 3 x प्लस 36 इजिकल टू 0, यह हमारा आंसर है। इसी तरह बाकी पार्ट्स आप खुद ट्राई कीजिएगा। जस्ट आपने रूट्स का सम और प्रोडक्ट लेना है और वैल्यूज पुट करनी है, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की, और इक्वेशन में पुट करना है। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।